So, hey guys, welcome back to Divid Solutions. I'm giving you all the most important paper presentation tips for scoring 90 plus in Sanskrit directly from the topper's paper. ठीक है, आज एक टॉपर का पेपर लाई हूँ जिसने बहुत ही ज्यादा अच्छे मार्क्स अपने संस्कृत के पेपर में स्कोर किए हैं और उसने अपना पेपर प्रेजेंटेशन किस तरह से रखा. अगर आपने भी उसी तरह से रखा तो आपको भी पूरे मार्क्स मिल सकते हैं, इसीलिए पेपर प्रेजेंटेशन आज लाई हूँ. तो पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखना है और कमेंट्स में बता देना है कि आपके एक्सपेक्टेड मार्क्स संस्कृत लैंग्वेज में कितने हैं. और हाँ, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है क्योंकि लेट्स मेक इट अ बिग फैमिली ऑफ 3000 सब्सक्राइबर्स यार. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. यहाँ पे देखो, मैंने बस उसका नाम और उसका फेस हाइड कर दिया है उस पर्टिकुलर टॉपर का. बाकी आप उसका सीट नंबर वगैरह पूरा देख सकते हो. आप ऐसे यहाँ पे देख सकते हो कि संस्कृत का पेपर है, कब हुआ था, 2019 का पेपर है. आपको लैंग्वेज ऑफ आंसर इंग्लिश लिखना पड़ता है और यहाँ पे आप देख सकते हो कि उसको टोटल 100 out of 100 मार्क्स मिले हैं. उस पर्टिकुलर टॉपर को टोटली 100 out of 100 मार्क्स मिले हैं. तो उसने कौन से ऐसे छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो किए जिससे उसको 100 out of 100 मिले, ये सारी चीजें मैं आपको आज बताने आ रही हूँ. तो वीडियो स्किप नहीं करना है और फटाफट नीचे कमेंट करो, मैं वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ. ओके, देखो यार, प्रथम विभाग में जब हम इमेजेस का नाम देते हैं, नेम्स देते हैं, ठीक है, और हम क्या बोलते हैं ना, समय का नाम वगैरह देते हैं, तो आपको आपकी हैंडराइटिंग जो है वो बहुत ही ज्यादा परफेक्ट रखनी है क्योंकि ये है आपका भाई फर्स्ट पेज. ठीक है, फर्स्ट पेपर पे प्रेजेंटेशन आपका जैसा होगा, जैसे हम बोलते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, तो पहले पेज पे हैंडराइटिंग एकदम प्यारी होनी चाहिए, एकदम अच्छी होनी चाहिए. ठीक है, और आपको पहले हाईलाइट कर देना है कि आपका कौन सा विभाग है, प्रथम विभाग, उसको अच्छे से हाईलाइट कर दो. जो भी आंसर आप लिख है वो अच्छे हैंडराइटिंग में लिखो. हिंदी और संस्कृत में ये जो लाइन रहती है ना आंसर के बाद, ये लिखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ये लिख देते जाओ. और जो भी अपना आंसर होता है उसको अंडरलाइन अगर आपने कर दिया तो वो और ही ज्यादा क्या हो जाएगा, इंपैक्टफुल हो जाएगा. सेकेंड हम देखते हैं कि देखो, जो उसने मैच द कॉलम्स किए उसको उसने से टेबल बना दिया. ऐसे नहीं कि बस अ आ और आंसर उसने लिख दिया. कोई कोई बच्चे कैसे करते हैं, बस यहाँ पे अ बनाते हैं, यहाँ पे आ बनाते हैं, यहाँ पे फर्स्ट, यहाँ पे उसका आंसर अम एम. ठीक है, वो ऐसा टेबल वगैरह कुछ नहीं बनाते. और अगर टेबल बना भी लिया तो बहुत रफली टेबल बनाते हैं विदाउट यूजिंग द स्केल. तो आपको ये नहीं करना है, आपको प्रॉपरली सारे स्केल्स वगैरह यूज करने हैं. एक मिनट भी ज्यादा नहीं लगने वाला है, फिर उससे आपका पेपर प्रेजेंटेशन बहुत ही ज्यादा अच्छे से हो जाने वाले. नेक्स्ट भी हम देख सकते हैं, जो फ्लो चार्ट हमें यहाँ पे दिया गया है. ठीक है, फ्लो चार्ट में भी देखो, जो जो आंसर है उसको सबने उसने अंडरलाइन की है. फ्लो चार्ट के बीच में उसने बराबर से पूरी एरोज दी है. ठीक है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो, ये आंसर था उसको अंडरलाइन किया, ये आंसर उसको अंडरलाइन. इससे क्या हो जाता है ना, बच्चा लोग जब टीचर पेपर चेक करता है तो उसको आंसर बहुत जल्दी फाइंड आउट होते हैं और टीचर खुश हो जाता है कि यार ये बच्चे ने हमारे लिए काम कितना ज्यादा इजी कर लिया, और टीचर फटाफट चेक करके एक हाथ मार्क्स आपको ज्यादा भी दे देता है. ठीक है, तो इसलिए बोल रही हूँ, बार बार बोल रही हूँ कि आंसर को जो नीचे अंडरलाइन होता है वो आपको करना है, मतलब करना है. उसके बाद देखो मार्किंग स्कीम कैसी होती है. अब जैसे कि ये वाला राइट है तो यहाँ पे टीचर ने एक लिख दिया, ये वाला राइट है यहाँ पे एक लिख दिया, राइट एक, राइट एक. ठीक है, और यहाँ पे भी एक, तो ये टोटल कितने हुए, 5 मार्क. तो यहाँ पे नीचे उसने लिख दिया टीचर ने टोटल 5 मार्क. तो ऐसे ही आपका भी होगा. तो आपको ये करना है कि आप टीचर के लिए भी जगह छोड़ रहे हो, आप बराबर एक लाइन में एक ही आंसर लिख रहे हो, जिससे कि टीचर्स को मार्क्स देने में भी इजी होगा और टीचर को समझने में भी इजी होगा कि भाई एक लाइन में एक ही आंसर लिखा है. और सबसे मेन बात, जहां पे आपका पहला क्वेश्चन खत्म हो जा रहा है उसके बाद अगर आपने एक लाइन में भी लिखा हो और बाकी का पूरा पेज भी बचा हो तो आपको पूरा पेज छोड़ देना और नेक्स्ट पेज पे बढ़ जाना है. जैसे कि देखो, इसका आधा पेज में आंसर खत्म हो गए पर बाकी का उसका जो था वो द्वितीय विभाग का था, प्रथम विभाग उसका खत्म हो गया था, इसलिए उसने क्या किया, खुद से एक लाइन मार दी. ये भी आप ही को करना है, ऐसा नहीं कि भाई टीचर खुद से लाइन मार दी कि वैसा नहीं करना है. आपको खुद से, आपका हो गया ना, वहां पे लाइन मार के आगे बढ़ना है. अब द्वितीय विभाग में भी देखो, जहां पे भी आंसर्स दिख रहे हैं उसने वहां पे एज इट इज जो नीचे अंडरलाइन होता है वो बराबर उसने अंडरलाइन किया है. जो जो चीजें उसने बराबर हाईलाइट की है, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जो कॉमास वगैरह है वो कितने अच्छे से उसने सारे हाईलाइट किए हैं, सेमी कोलन्स वगैरह कितने अच्छे से सारे उसने हाईलाइट किए, आप लोग देख सकते हो. आंसर में भी देखो, उसने बराबर से एरो बनाए हैं. कोई कोई बच्चे, बस मैंने बहुत बार पेपर्स में देखा है, कोई कोई बच्चे ऐसे फर्स्ट लिखते हैं और बिना एरो के ही यहाँ पे उसका डायरेक्टली आंसर लिख देते हैं. भाई अगर तुम एरो नहीं बनाओगे या उत्तर ऐसा नहीं लिखोगे तब तक वो टीचर उसे एज ए आंसर कंसिडर नहीं करने वाली. तो ये भी आपको समझ के रखना है कि आपको एरोज बनाने हैं, आपको बताना है कि भाई ये हमारा आंसर है, तब जाके वो टीचर आपका चेक करने वाली है. इसके आगे मैं आपको बताऊंगी कि जो टेबल्स वगैरह होते हैं उसका पेपर प्रेजेंटेशन कैसे करते हैं. टेबल्स जो संस्कृत में सब बच्चों को बहुत ज्यादा हार्ड आते हैं, उसमें अच्छे से स्कोर कैसे करते हैं वो भी बताने वाली हूँ. तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना.
ओके यहाँ पे भी देखो उसने अंडरलाइन करके रखा है, यहाँ पे अंडरलाइन करके देखा है। अब यहाँ पे देखो इतना सा वर्ड है पर उसको भी उसने अंडरलाइन किया है। ये जो मेन मेन होते हैं यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ना, ये जो ट्राइंगल करे वाला, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन होते हैं ठीक है। जो भी आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिखोगे आपको उसको भी बहुत परफेक्टली लिखना है और टीचर्स उसको क्या कर देंगे, ट्राइंगल करके मार्क्स दे देंगे। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। देखो अब मैंने पहले ही बोला था कि जो आंसर होता है उसको आंसर टाइप बताना है, तो देखो ये क, तो उसका जो यहाँ पे पूरा आंसर है वो उसने एकदम पूरे अच्छे तरीके से अंडरलाइन कर दिया, जिससे कि टीचर को समझ जाए कि भाई ये हमारा आंसर है। यहाँ पे देखो सत्यम असत्यम में भी उसने अंडरलाइन किया है। ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो आप बोलोगे कि यार दीदी कितने बार बोल रहे हो कि अंडरलाइन करना है अंडरलाइन करना है, पर ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो कि बहुत ज्यादा मायने रखती है, इसलिए आपको बार बार बता रही हूँ। उसके बाद देखो ये टेबल फॉर्मेट, हमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जो कि हम बोलते हैं पैराग्राफ फॉर्मेट में आ रहे हैं, इसके फॉर्मेट में आ रहे हैं, पर फ्लो चार्ट के फॉर्मेट के जो भी क्वेश्चंस होते हैं, एज इट इज जैसा क्वेश्चन पेपर में आपको फ्लो चार्ट बना के दिया गया है आपको वैसे बनाना है। जैसे कि यहाँ पे देखो हमने यहाँ पे पहले भी एक फ्लो चार्ट देखा, तो ये फ्लो चार्ट एज इट इज पेपर में जैसा बने वाला था, क्वेश्चन पेपर में जैसा बने वाला था वैसे ही उसने आंसर शीट में बनाया। और दूसरा फ्लो चार्ट भी देखो उसने एज इट इज बनाया, फिर चाहे उसको कितनी भी जगह लग जाओ, चाहे उसको कितना भी टाइम लग जाओ, बट जैसा फ्लो चार्ट दिया गया है, जैसा टेबल दिया गया है आपको वैसे ही ड्रॉ करना है। अलग कोई भी ऐसा नहीं है कि यार वो फ्लो चार्ट ऐसे दिया गया है ठीक है, साइड बाय साइड दिया है और आप उसको एक के नीचे एक लिख रहे हो, ऐसा लिखोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। एज इट इज आपको पूरा फ्लो चार्ट बनाना है। दूसरी चीज मैं जो आपको बोलना चाहती हूँ, जैसे कि हमारा सरल अल्जम होता है, तो सरल अल्जम में हम क्या करते हैं, जो भी संस्कृत का क्वेश्चन होता है या संस्कृत का पैराग्राफ होता है वो मराठी में एक्सप्लेन करते हैं राइट। तो देखो यार बच्चे लोग, अगर आप लोगों को लग रहा है कि मराठी में काना विलांटी में आपको बहुत मार्क्स आते हैं, आपको मराठी के काना विलांटी का काना और विलांटी बहुत ज्यादा हार्ड जाते हैं, तो आप इंग्लिश लैंग्वेज भी प्रिफर कर सकते हो। जिन जिन बच्चों को पता था उनके लिए तो ठीक है, पर जिन जिन बच्चों को पता नहीं है मैं उनको बता दूं कि आपको जो लैंग्वेज प्रिफर होती है ठीक है, आपके हिसाब से वो लैंग्वेज में लिख सकते हो, आप मराठी में भी लिख सकते हो, आप इंग्लिश में भी लिख सकते हो, जिस लैंग्वेज में आपको लिखना है आप लिख सकते हो, बस आपका प्रेजेंटेशन और आप जो बोल रहे हो वो क्लियर होना चाहिए ओके। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे भी उसने उस अब ये देखो यहाँ पे उसने आंसर्स लिखे ठीक है, कि एक पर्टिकुलर क्वेश्चन आया था तो उसके पर्टिकुलर आंसर में भी देखो जो भी चीजें इंपॉर्टेंट है उस पर्टिकुलर आंसर में, वो चीजें उस लड़की ने यहाँ पे हाईलाइट करके रख दिए। देखो जैसे कि देखो सेज का नाम यहाँ पे करके रख दिया है, लेसन का नाम यहाँ पे हाईलाइट करके रख दिया है, परमाणु का अर्थ क्या होता है वो जो मेन डेफिनेशन होती है ना एटम की, परमाणु की, वो उसने हाईलाइट करके रख दिया है ठीक है, उसको क्या बोलते हैं वो उसने हाईलाइट करके रख दिया है ठीक है। तो आपको भी यही करना है, आप इंग्लिश में लिखो आंसर या मराठी में लिखो, आप जो भी आंसर लिख रहे हो जिस भी लैंग्वेज में लिख रहे हो, आपको क्या करना है उसमें कि जो भी की पॉइंट्स होते हैं, हमें पता है कि इस आंसर में अगर ये चीज नहीं लिखी तो ये आंसर इंपॉर्टेंट कंसिडर नहीं होने वाला। जैसे कि आप कोई आंसर लिख रहे हो अगर अगर उसमें का मेन कैरेक्टर ही आप नहीं लिख रहे हो तो आपको पता है कि यार कहीं ना कहीं मार्क्स जाने वाले हैं, तो उस मेन कैरेक्टर का जब आप नाम लिख रहे हो आपने उसको हाईलाइट करके रखना है, वो मेन कैरेक्टर क्या करता था उस काम को आपको हाईलाइट करके रखना है ठीक है, जिससे कि टीचर ने अगर बस वो हाईलाइटेड वर्ड्स भी देख लिए तो टीचर क्या बोले कि यार इसने इतना इतना करा है, इसको ये बराबर ये वर्ड्स हाईलाइट कर रहा है, यानी कि इसने पूरा आंसर तो लिखा ही होगा। और कभी कभी तो टीचर सिर्फ वो हाईलाइटेड वर्ड्स देख देख के ही मार्क्स दे देती है, तो आपको बार बार बोल रही हूँ कि आप जब आंसर लिख रहे हो तो उसमें जो भी मेन की पॉइंट्स होंगे उस पर्टिकुलर आंसर के, तो आपको क्या करना है हाईलाइट करके रखना है। जैसे देखो यहाँ पे भी उसने हाईलाइट करके रखे ठीक है, यहाँ पे देखो रिवर का नाम हाईलाइट करके रखा है ठीक है, क्रोकोडाइल आ रहा था वो हाईलाइट करके देखा है, फिर उसकी मम्मी भागती हुई आई ठीक है, वो भी उसने हाईलाइट करके देखा है। तो ये सारी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो आपको क्या करना है हाईलाइट करके रखना है। फिर तृतीय विभाग में बढ़ते हैं, जो कि पद्यम विभाग होगा आपका, जो कि पूरा श्लोक्स पे आधारित होगा। तो श्लोक्स पे आधारित विभाग पे आपको फ्लो चार्ट वगैरह टेबल्स वगैरह बहुत देखने मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पे देखो टेबल वगैरह देखने मिला। और मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ जो कि स्टार्टिंग में बोला था कि टेबल पूरा अपने स्केल से आपको अच्छे से ड्रॉ करना है, टेबल रफली ड्रॉ मत करना ठीक है, पेपर प्रेजेंटेशन में अच्छा नहीं लगता है भाई, बोर्ड्स का पेपर है, थोड़ा सा अच्छे से करके आना। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे उसको फ्लो चार्ट उसने लिखा है, फ्लो चार्ट उसने बराबर जैसा क्वेश्चन पेपर में दिया था वैसा ही फ्लो चार्ट उसने बनाया है और उसको बराबर से आंसर किया है। हर एक बॉक्स का उसको 1.5 उसको हाफ मार्क्स मिले, यहाँ पे आप देख सकते हो हर एक बॉक्स का हाफ 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 मार्क्स, और टोटल उसको मिल गया है 2 मार्क्स ठीक है। तो ये सारी बातें भी आपको याद रखनी है। उसके बाद वही बात है, आंसर को आपको अंडरलाइन करना है, आंसर में जो भी आपके हाईलाइटेड या मेन की पॉइंट्स होंगे उसको आपको हाईलाइट करना है। उसके बाद देखो जो भी हम श्लोक लिखते हैं उस पूरे श्लोक को आपको अंडरलाइन करते चलना है, क्योंकि श्लोक जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप क्या लिख रहे हो सामने वालों को समझना चाहिए, तो पूरे श्लोक को आपको अंडरलाइन करते हुए चलना है। बाकी आप नीचे भी देख सकते हो कि जो भी उसने अन्वय लिखा है उसमें भी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उसको उसने हाईलाइट कर दिया है।
ओके, अब हम बढ़ते हैं चतुर्थ विभाग पे, लेखन कौशल पे। तो यहाँ पे भी देखो आंसर्स को उसने पर्टिकुलरली बराबर से हाईलाइट कर दिया है। कितना भी टाइम लगता हो आपको हाईलाइट करते चलना है। आप कौन सा, मतलब देखो आपको निबंध आते हैं तो 5 में से 3 में से आप कौन सा निबंध लिख रहे हो, ये निबंध आपको अच्छे से नीचे उसका बड़ा इसमें नाम लिखना है। उसको एक तो अंडरलाइन कर दो या उसको थोड़ा सा सजा दो, जिससे कि टीचर को समझे कि भाई बच्चा आखिर निबंध लिख कर किस पे रहा है। बच्चे, कोई कोई बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्टली निबंध स्टार्ट कर देते हैं, तो वैसे नहीं करना है। टीचर को समझना तो चाहिए कि आप पर्टिकुलर कौन से टॉपिक पे निबंध लिख रहे हो, और आपको बराबर से उसके नंबर्स भी डालने हैं। ऐसा नहीं हो कि आप 2 नंबर डाल रहे हो, 2 नंबर आपका, आपको लिखना है मम प्रिय भाषा का, पर आप लिख रहे हो मम प्रिय वस्तु का या पशु का, ठीक है? वैसा नहीं होना चाहिए। जो नंबर आपको क्वेश्चन पेपर में दिया है वो आपको पर्टिकुलरली लिखना है। अब ये वाला देखो, चित्र वर्णम भी वो कर रही थी तो उसने बराबर से उसको हाईलाइट कर दिया। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। पंचम विभाग पे, जो कि सबसे मेन है, आपका जो भी टेबल्स आते हैं, जो भी ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, जो भी सारे इसमें आते हैं, वो आपको कैसे लिखना है। तो टेबल सबसे पहले तो देखो, आपको पर्टिकुलरली टेबल एकदम अच्छे से ड्रॉ करना है। बहुत बच्चों का क्या हो जाता है कि पूरा टेबल जो है ना पूरा गिचड़ मिचड़ हो जाता है, यानी कि ना बच्चे, छोटा सा पेपर होता है, ठीक है, बच्चे पेपर होता है, पर उसमें इतना बड़ा बड़ा लिख देते हैं, इतना बड़ा बड़ा लिख देते हैं, और लास्ट का जो कॉलम होता है उसके लिए जगह ही नहीं पड़ती है। फिर वो ऐसा काटा कुटा करते हैं, फिर ऐसे रफली 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 टेबल बनाते हैं। अब आप ही बोलो, ऐसा पेपर प्रेजेंटेशन आपको अच्छा लगेगा या जो पेपर में हुआ है वो वाला पेपर प्रेजेंटेशन आपको अच्छा लगेगा, राइट? आपको भी यही वाला पेपर प्रेजेंटेशन अच्छा लगेगा जब आप चेक करोगे, खुद के हिसाब से देखो, ठीक है? तो आपको एक बात याद रखनी है, जब भी आप टेबल बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो आपको टेबल जो है वो बहुत ही अच्छे से ड्रॉ करने हैं, रूलर से ड्रॉ करने है। और उसने देखो आंसर्स भी जो भी उसने लिखे हैं, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो आप, जो भी आंसर्स उसने लिखे उसको भी उसने क्या किया है, बहुत ही अच्छे तरीके से अंडरलाइन कर दिया है, जिससे टीचर को समझेगा कि उसका आंसर कौन सा है और साइड में क्वेश्चन कौन सा है, ठीक है? यहाँ पे भी देखो, सर्वनाम तालिका में भी उसने वही किया है, बराबर ऊपर एकवचन, द्विवचन, बहुवचन, विभक्ति भी लिख दी है। कोई कोई बच्चे विभक्ति भी छोड़ देते हैं ये कहके कि यार हमें जगह नहीं पड़ रही, तो आपको ये नहीं करना है बिल्कुल भी, कि आपको जितना पेपर में दिया गया है आपको एज इट इज लिख के निकालना ही होगा। आपको लग रहा है, अब फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ तक बना लिया, आपको लग रहा है कि इतनी जो जगह बची है उसमें आपका टेबल नहीं बनने वाला, छोड़ दो उतनी जगह, आगे के पेज पे बनाओ, ठीक है? एक आध पेपर ऊपर नीचे हो गया तो चलता है, आपको सप्लीमेंट्स एक्स्ट्रा मिल जाती है, तो पेपर को ध्यान मत लगाना कि यार मेरा पेपर खत्म हो रहा है, ठीक है? फिर उसके बाद भी आप देख सकते हो यहाँ पे भी उसने अंडरलाइन कर दिया आंसर्स को, ठीक है? अब अंडरलाइन का तो मैंने आपको बहुत बार बता दिया, ठीक है? उसके बाद देखो यहाँ पे उसने बराबर टेबल बना दिया, ये समास वाला टेबल है, तो समास का देखो विग्रह वाले कॉलम का आंसर था तो विग्रह वाले कॉलम को उसने अंडरलाइन कर दिया। सेकंड, समस्त पदम का आंसर था तो समस्त पदम को उसने अंडरलाइन कर दिया। और कोई कोई बच्चे क्या करते हैं, ऊपर ये चीजें नहीं लिखते। मुझे पता नहीं यार आप कौन से दिमाग से चलते हो वहां पे, क्या करते हो वहां पे पेपर में, पर आप ये क्यों नहीं लिखते, समस्त पदम, विग्रह, समास नाम, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कौन से कॉलम में क्या लिख रहे हो वो तो समझना चाहिए ना, तो ये वाले चीजें लिखने हैं वहां पे, राइट डाउन करना है, ये समझ लो, ओके? उसके बाद तुम वही है कि जो आपको हाईलाइट करने हैं, जो आपको अंडरलाइन करने हैं, यही चीजें हैं। यहाँ पे देखो वापस वही कि फ्लो चार्ट जैसा दिया गया है आपको एज इट इज फ्लो चार्ट बनाना है। तो बस आज की टिप्स बस इतनी ही थी कि आपको जो हैंड राइटिंग है, सबसे पहले तो वो बता दूं मैं, हैंड राइटिंग जो है आपको वो सबसे ज्यादा अच्छी रखनी पड़ेगी सबसे पहले। दूसरी चीज जो है वो आपको बहुत सारे अंडरलाइन करने पड़ेंगे, ठीक है? झापे भी आंसर होगा उसको अच्छे से अंडरलाइन करना। थर्ड चीज जो है दैट इज आंसर में जो भी की पॉइंट होंगे उसको हाईलाइट कर दो अच्छे से, एकदम प्यारे तरीके से, ठीक है? फोर्थ चीज जो है कि जो जैसा दिया गया है फ्लो चार्ट वगैरह एज इट इज ड्रॉ करो, ठीक है? एज इट इज ड्रॉ इट, जो भी फ्लो चार्ट वगैरह दिया होगा एज इट इज ड्रॉ करो। फिफ्थ चीज जो मैं आपको और एक एडिशनली बताना चाहती हूँ, जो भी टेबल फ्लो चार्ट आप जो भी ड्रॉ कर रहे हो उसको पेंसिल से ड्रॉ करो, पेन से ड्रॉ मत करना, ठीक है? आपको पेंसिल से ड्रॉ करना है, ओके? सो आई होप कि अभी तक का वीडियो आपको पूरा अच्छे से समझ गया होगा, आपको समझ गया होगा कि संस्कृत के पेपर में जाके कैसा पेपर प्रेजेंटेशन करना है, ठीक है? और कमेंट में मुझे बता देना कि आपको कितने मार्क्स जो है वो संस्कृत के पेपर में एक्सपेक्टेड है, ठीक है? चैनल पे नए होंगे तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर 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 करना है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, #धमाका मचाना है।